जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, फिर तुम कभी वीडियो मिस नहीं करोगे। सच्ची मुच्ची सही चल रहा है ना? हाँ हाँ सब सही चल रहा है, ये लीजिए। ठीक है अंकल, निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ। भैया पता है ना दिवाली है? हाँ। मेरे लिए मिठाइयाँ पटाके और नए नए कपड़े लेते आना। ठीक है। और हाँ भूलना मत। हाँ ठीक है। लीजिए काका। हाँ लाओ लाओ लाओ। अरे बेटा सुनो, आज दिवाली है, पैसा नहीं लोगे क्या? अंकल वो अभी महीना लगा नहीं है तो फिर पैसे एडवांस में ले लो, अपने छोटे भाई के लिए बाजार से नए कपड़े मिठाई पटाके खरीद लेना। जी अंकल, धन्यवाद अंकल। जाओ जाओ। पैसे दे दो भैया, भैया प्लीज मेरे भाई के लिए पटाखे और मिठाइयाँ ला दी है। कान कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। दे देने भैया, मेरे लिए मिठाइयाँ पटाखे और नए नए कपड़े लेते हैं। लो, से अपने भाई के लिए मिठाई और कपड़े ले लेना। उस बच्चे को सच में पैसे की जरूरत थी, अगर आप उसे थोड़े पैसे देते तो वो भी दिवाली खुशी खुशी मना लेता। देखिए थोड़े पैसे पाने पर भी कितना खुश हो गया था।
क्या करूं, जो पैसे अंकल जी ने दिए थे वो भी चले गए। अब मैं गौतम के लिए मिठाई और पटाखे कैसे लूंगा। चलता हूँ अंकल की मदद करने, वो कुछ ना कुछ जरूर देंगे, मेरा खर्चा निकल जाएगा। लाइए अंकल जी, मैं पहुंचा देता हूँ। हाँ बेटा, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बेटा रुको रुको, बेटा हमारे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, तुम इससे अपना काम चला लेना। रहने दीजिए अंकल, ये मेरा फर्ज था। अब क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? गौतम इंतजार कर रहा होगा मिठाई और पटाखों के लिए। हाँ सुनो चाचा जी से पैसे मांगा जाए, वो जरूर दे देंगे। उनसे मांगूंगा तो वो जरूर देंगे, उनसे ही चलता हूँ। भैया चाचा जी कहाँ हैं? वो बाजार गए हैं। क्या काम है? वो भैया कुछ पैसे चाहिए, आज दिवाली है ना, मेरे भाई के लिए पटाखे और मिठाई लेना। सुबह तो पैसे मिले थे, वो क्या हुआ? तो भैया खर्च हो गए। क्या खर्च हो गए? तुम लोग को सिर्फ बहाने चाहिए पैसे लेने के लिए। जब देखो मुँह उठा के चले आते हो पैसे लेने के लिए। जाओ नहीं मिलेंगे, पेपर टाइम पे देते नहीं है, और चले आते हो पैसे लेने के लिए सिर्फ। ये पेपर आज का है? नहीं भैया वो कल का है, इसलिए बचा हुआ है। क्या कल का पेपर है? भैया मुझे ये दे दीजिए, मैं सुबह से खोज रहा हूँ, मुझे अपना रिजल्ट चेक करके आपको 2000 रुपये देता हूँ। आईएएस ऑफिसर, आपने सिस्टम किया था, पता है कौन है? कौन है? आईएएस ऑफिसर। बेचारा काम में इतना उलझा हुआ है कि अपना रिजल्ट के बारे में भी नहीं पता है। चल फिर चल। Thank you.
विविध भारती की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। एक गरीब घर का लड़का बना आईएएस ऑफिसर। चलिए जानते हैं उनके बारे में। उनका नाम कृष्ण गोपाल है, जो पटना के रहने वाले हैं। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उन्होंने पेपर बेच बेच कर अपनी पढ़ाई पूरी की और साथ में अपने भाई की जिम्मेदारी भी उठाई। हमें गर्व है हमारे देश के ऐसे युवाओं पे। ये खबर जारी रहेंगी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये दिवाली हमारी अब तक की सबसे अच्छी दिवाली है। वाह मैडम, मेरा सक्सेस हो गया भाई, अब हमारा दुख सारा दूर हो गया। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली दिल से। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। गाइस इस वीडियो में हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, बिल्कुल मेहनत किया, दिल से मेहनत किया है। तो गाइस आप लोग भी दिल से सपोर्ट कीजिए और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली। मेरा तरफ से हैप्पी दिवाली।